वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बोबा बोबा ऐसी आत्माओं को माना जाता है जो कि रात के समय पीठ के बल सो रहे लोगों की छाती पर जाकर बैठ जाती है। छाती के ऊपर बोबा के भार से उस व्यक्ति की नींद खुल जाती है और उसका दिमाग भी काम कर रहा होता है, लेकिन वह अपने शरीर को चाकर भी नहीं हिला सकता और ना ही कुछ बोल सकता है। इस घटना का सामना कर चुके लोगों का कहना है कि उन्हें अपने छाती पर काली परछाई दिखी थी। उसका कहना होता है कि उन्हें बूढ़ी औरत जैसी कोई दिखी थी, जबकि किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन छाती के ऊपर बहुत ज्यादा भार महसूस होता है। इस घटना के दौरान लोग खुद को मौत के बिल्कुल करीब पाते हैं, लेकिन वे मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा सकते। इस घटना को विज्ञान में स्लीप पैरालिसिस भी कहा जाता है। ओडियान एक केरल की लोक कथाओं में माने जाने वाले ऐसे लोग होते हैं जो कि काला जादू करते हैं, जिसे ओडी विद्या कहा जाता है। एक ऐसी खास विद्या होती है जिसमें खुद को सांप, कुत्ता, बिल्ली या किसी और जानवर में खुद को बदल सकते हैं। इनकी कहानियां केरल में 1950 और 1960 के समय बहुत ज्यादा प्रचलित थी, क्योंकि उस समय बिजली बहुत कम जगहों में थी और लोग अंधेरों में जंगलों में से गुजरा करते थे और बहुत से लोग ओडिया को देखने का दावा करते हैं। ओडिया खुद को जानवर में बदलने के लिए किसी खास मिश्रण की जरूरत होती थी जो कि शिशु के खून से मिलकर बनता था, और कहा जाता है कि ओडिया रात के समय काला जादू करके आसपास के गांव के किसी गर्भवती महिला को वश में करता है, जिससे वह महिला खुद ही चलकर उसके पास आती है और वह उसके भ्रूण से बच्चे को निकाल देता है और महिला फिर अपने घर जाकर सो जाती है और उसे इस घटना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती। फिर खून के मिश्रण को तैयार करने के बाद वह इसे कान के पीछे लगाता है और कुछ मंत्र पढ़ता है और खुद को मनचाहे जानवर में बदल देता है, और यह जानवर किसी आम जानवर से अलग होता है क्योंकि उसकी या तो तीन टांगे या तीन आंखें होती है, और अंधेरे में इसको देखकर कुछ लोग तो डर से ही मर जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अजीब जानवर को देखने के लिए उसके नजदीक जाते हैं और इसके छूने मात्र से ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ।